A warmly good morning to all of you. I hope everybody is safe and healthy. Today we will going to start our first lesson of English, that is My Robot. It is a poem. So open page number 8. Okay, let's get started. My robot is my favorite toy, a battery powered bundle of joy. My robot can talk, jump and sing, and in the park he push my swing. अब यहाँ पे जो पोइट है वो बता रहे हैं कि उनका रोबोट क्या है, उनका फेवरेट टॉय है और जो उसकी बैटरी है वही जो है उसे पावरफुल बनाती है बंडल ऑफ जॉय के लिए. ओके, माय रोबोट कैन टॉक, मेरा रोबोट जो है बात भी करता है, जंप भी करता है और सिंग भी करता है, यानी कि गाना भी गाता है. और पार्क में जो है वो मेरा झूला भी पुश करता है, यानी कि मुझे झूला भी झुलाता है. My robot is white and terribly quiet. Do you know he even play the flute? My robot is smart and passes all tests, whether it's maths or removing pest. अब वो बता रहे हैं कि उनका रोबोट जो है वाइट है और क्यूट भी है, हल्का है ना. Do you know, आपको पता है कि वो फ्लूट भी प्ले कर लेता है, यानी कि बांसुरी भी बजाता है. और रोबोट जो है वो स्मार्ट तो है ही, क्योंकि वो क्या करता है, सारे टेस्ट पास कर लेता है. ये देखिए पिक्चर में भी बनाया हुआ है. वो सिर्फ मैथ्स ही सॉल्व नहीं करता, बल्कि रिमूव पेस्ट, यानी कि वो जो है हार्मफुल इंसेक्ट्स की सफाई भी कर देता है. My robot and I enjoy bike rides. He spin a good tail and much more beside. I keep a small spanner always handy to unbolt his hat and store my candy. अब वो बोल रहे हैं, पोइट क्या बोल रहे हैं कि मेरा रोबोट जो है क्या करता है, मेरा रोबोट और मैं, हम दोनों बाइक राइड को एंजॉय करते हैं, यानी कि बाइक पर घूमते हैं, हमें मज़ा आता है उसमें. ही स्पिन अ गुड टेल, वो मुझे अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाता है. एंड मच मोर बिसाइड, और इससे ज़्यादा और भी बहुत कुछ करता है. आई कीप अ स्मॉल स्पिनर ऑलवेज, मैं हमेशा अपने साथ एक स्मॉल स्पैनर रखता हूँ. स्पैनर इज़ अ टूल, ओके, टू हैंडल नट्स और बोल्ट. ओके, तो मैं हमेशा अपने साथ एक स्पैनर रखता हूँ ताकि मैं क्या कर सकूँ, अनबोल्ट हिज हेड, ताकि उसके हेड को खोल सकूँ, एंड स्टोर माई कैंडी, और वहाँ पे अपनी कैंडीज को स्टोर कर सकूँ. तो देखा बच्चों आपने कि पोइट ने किस तरीके से यहाँ पे जो है अपने रोबोट के बारे में बताया, उसकी यूजफुलनेस बताई. आई होप आपको ये पोयम क्लियर होगी. और यहाँ पे पोइट का नाम क्या है, पैरोमित्रा मित्रा. ओके, आई होप आपको ये पोयम क्लियर होगी. आप इसको रीड करिएगा और यहाँ पे वोकैबलरी जो दी हुई है उसको भी पढ़िएगा. ओके, थैंक यू.